आलू के 24 घंटा धूप लगा के और 7 दिन के लिए हवादार जगह पर छोड़ ले रही है। हाँ भैया छोड़ा भैया। बिल्कुल सही कहली, जोन आलू के स्टोर करे के है ओकरा हवा लगाना और सुखाना जरूरी रहे। अब आगे यहाँ के हम बतबैत हती कि आलू के छाँट के कैसे रखल जाय छे या स्टोर कैल जाय छे। हाँ भैया बताइए दीउ कि अब आलू के कैसे स्टोर कैल जाते। जे आलू के बीज के लिए रखे के है ओकर सुरक्षित तरीका यहाँ के हम बता रहल छी। खास करके बीज के लिए वैसने आलू के चुने के है जोन खेत में झुलसा न लगल। अच्छा भैया झुलसा रहित खेत के आलू ऐसन कैला रखल जाए? झुलसा वाला खेत के आलू के अगर अगला साल फिर से लगाबाई तो इमे झुलसा लागे के संभावना अधिक रहे छे। अच्छा तो यह रहत कि जोन खेत के आलू बीज के लिए रखल जाए वही खेत के आलू के खाने से 12 से 15 दिन पहले डांटी काट देवल जाए ताकि ऐसन खेत के आलू लगावे से झुलसा बीमारी लागे के संभावना कम रहे। अच्छा भैया अब समझ गए। दीदी 30 से 40 ग्राम के यही तरह के आलू के छांट के बीज के लिए रखेला है। तरह के आलू के कोल्ड स्टोरेज करे से पहले M45 दवा से छिड़काव करके ही कोल्ड स्टोरेज में रखे के है जे की दवा हम ले के। देखो दीदी मैनकोचेव M45 दवा। और कोई सामान की जरूरत है? हाँ दीदी माचिस के खप्पा जूट के बोरा और पानी थोड़ा लेके आओ। एक लीटर पानी में 2 ग्राम M45 दवा के मिला के छिड़काव करे के। दीदी M45 दवा पानी में मिलावे से पहले दस्ताना पहनना बहुत जरूरी है जे कि हम लेके आएंगे। हाँ भैया। पाँच लीटर पानी है एमे 10 ग्राम दवा मिला रही है मतलब 2 ग्राम के खप्पा हो चाहिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम तो 5 लीटर पानी में 10 ग्राम माने 5 खप्पा दवा हम डाल के मिला दे रहा है। दीदी 4वां खप्पा। हाँ भैया। और ये अंतिम और 5वां खप्पा। हाँ भैया। अब एकरा हम हाथ से अच्छा से मिला दे थी। घोल तो बिल्कुल तैयार हो गए। अब जे है जितना बीज वाला आलू है ओकरा अनुसार घोल तैयार करके और ओकरा ऊपर दवा के छिड़काव करे के है। अब जे है बीज वाला आलू पर छिड़काव करके हम यहाँ के बता रहे हैं। आलू के यही तरह से बिछा लेवे के है ठीक ना। दवा छिड़के से पहले अच्छा से बिछा के ओकरा बाद दवा के छिड़काव करे के। ठीक है भैया। जे है एकरा अच्छा से इस पर छिड़काव करे के है जैसे यहाँ देखो। हाँ भैया। देख रहे दीदी? हाँ भैया। तरह से दवा छिड़कल आलू के 2 से 3 घंटा के लिए छायेदार और हवादार जगह में सूखे के लिए छोड़ देवे ला। ठीक है भैया। दीदी दवा छिड़कल आलू जब बिल्कुल सूख जाए जै तरह से पहले रहलक बिल्कुल सूख जाए तो ओकरा बाद जूट के बोरा में कस के ओकरा बादे कोल्ड स्टोरेज में रखे के। दीदी आलू तो बहुत अच्छा से सूख गए। हाँ भैया। अब एकरा जूट के बोरा में रख के और कस के बांध के। ठीक है भैया।
आलू के बोरा में रखते समय ज्यादा ऊपर से और पटक के न रखे के है। ऐसे आलू के ज्यादा चोटिल होए के और छीले के संभावना रहिए। और एकरा कस के बांधे के ये पे दवा छिड़कायल आलू है, एकरा खाए में तो गलतियों से प्रयोग न करे के है। और बीज के आलू के बोरा पर बीज का आलू ही लिख के रखे, ताकि बीज वाला आलू का बोरा दूसरे आलू से मिल न जाए और कोल्ड स्टोरेज में ले जाए में आसानी। दीदी मझोलका और बड़का आलू के भी बोरा में कस के बांधेला है। अच्छा है कि अगर आलू के जूट के बोरा में रखे छी तो 50 किलो ज्यादा न रखे के। ठीक है भैया। अगर 50 किलो से ज्यादा आलू बोरा में न रखल जाए तो गाड़ी में रखे में उतारे में कोल्ड स्टोरेज में ले जाए में आसानी होते। भैया हम तो जानबे न करे छी जितना सावधानी से आलू के रखे के है। हम सब तो कैसहू कहत रही कि रख दे भैया, कैसहू कहूँ ले जाओ। हाँ भैया दीदी ठीक कहे छथिन। हाँ दीदी आलू के सुरक्षित रखे के लिए ई सब तो कर ही ला हो। आलू के जब बोरा में रखी तो इतना ध्यान जरूर रखे के चाही कि आलू भरल बोरा के न पटके के चाही, न बैठे के चाही, न चढ़े के चाही, ऐसे है आलू खराब हो जाइए। ठीक है भैया। कोल्ड स्टोरेज में रखे से पहले आलू के बोरा पर अपन नाम पता जरूर लिख लेवे के चाहिए, ताकि अपना आलू का बोरा पहचान करके निकाल सके। ठीक है भैया। दीदी कोल्ड स्टोरेज में आलू कैसे रखे के है, अभी तो हम सब वही पर चर्चा कर लिए, कर जानकारी ले ली। अब घर में आलू के कैसे स्टोर कर जाए एकर चर्चा करे। दीदी आलू के ऐसन घर में रखे के चाहिए जोन घर में फर्श नीचे मिट्टी होवे के चाहिए, घर में रोशनी कम और घर हवादार होवे के चाहिए, और घर में ठंडक हमेशा रहे। भैया मिट्टी के घर न होते तो कहाँ आलू रखबे? फर्श अगर मिट्टी के न है पक्का के है तो ऊपर आलू रखे से पहले बालू के लेयर बना लेवे के है, मतलब 1 से 2 इंच मोटा बालू बिछा के ही आलू रखे। ठीक है भैया। दीदी आलू घर के फर्श पर 5 इंच मोटा परत में बिछा के रखे के। पंद्रह दिन पर आलू के उलट के भी है देखे कि, ताकि जे भी सरल आलू है ओकरा आसानी से निकाल सके। और एक सावधानी भी बरते के है कि आलू के जोन समय यहाँ उलट पुलट कर रहा छी वही पर आलू पर चढ़े के न तो आलू के फिर खराब होए के संभावना रहे। तरह से आलू के हम सब काफी दिन तक रख सके छी और अच्छा दाम मिले पर आलू के बेच के अच्छा मुनाफा भी कमा सके छी और घर के उपयोग में भी आलू के ला सके छी। कोल्ड स्टोरेज में बीज के लिए रखल गेल आलू रोपाई के समय निकाल लेवे के है और बाकी आलू के अच्छा दाम मिले के समय बेच देवे के। इतना जानकारी दिली भैया, इतना ज्ञान दिली, ए लेल धन्यवाद। धन्यवाद। आलू के स्टोर करे के कुछ मुख्य बिंदु है। स्टोर करे से पहले 30 से 40 ग्राम के आलू के ही अलग कर लेवे के है और आलू बीज वाला आलू झुलसा रहित खेत के होवे के चाही और स्टोर करे से पहले ऊपर M45 से छिड़काव करे के चाही। बोरा को कस कर बांधे, ढीला ना छोड़े,
जिससे कि आलू आपस में रगराए ना और एक बोरा में 50 किलो से ज्यादा आलू न भरे। स्टोरेज में रखे से पहले आलू के बोरा पर अपना नाम पता लिख देवे के चाही, ताकि कोल्ड स्टोरेज से निकालते समय आप आलू के बोरा पहचाने में आसानी हो। घर में आलू रखे के लिए मिट्टी वाला फर्श होवे के चाही, जो ठंडा हो, हवादार हो और थोड़ा अंधेरा हो। एक 15 दिन पर आलू के पलट लेवे के है और सरल आलू के छांट लेवे के है। आलू के स्टोर करे में कुछ सावधानी है जे पे ध्यान देना जरूरी है। स्टोर करे समय आलू के न पटके, न चढ़े नहीं, रगड़े नहीं और धूप से बिल्कुल बचाएं। स्टोर के लिए ले जाए समय गाड़ी पर तिरपाल जरूर लगा लेवे के चाहिए। जूट के बोरा जेमें आलू रखे के है ओकरा 5 से 6 दिन सुखा लेवे के है, और ऐसन बोरा के ही चुनाव करे के चाहिए जेमें कि न पहले से केमिकल कोई रखल हो न लगल हो। अगर ऐसन है तो ओकरा साफ कर लेवे के चाहिए और धूप में सुखा लेवे के चाहिए। पिछले साल स्टोरेज में इस्तेमाल कैल बोरा के दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल न करे के है।